नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। महाराष्ट्र के सातारा में दो समुदाय के बीच पथराव और आगजनी की घटना हुई है। इसमें एक शख्स के घायल होने की सूचना है। पुलिस ने सावधानी बरतते हुए इंटरनेट बंद कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ है। बम विरोधक दस्ते ने संदिग्ध विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया है। मौके पर एसएसबी और सीआरपीएफ की टीम है। नेशनल हाईवे के दोनों ओर यातायात को रोका गया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भामरागढ़ में 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था। गिरफ्तार नक्सलियों पर गढ़चिरौली समेत छत्तीसगढ़ में भी कई मामले दर्ज हैं। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज ठाणे बंद का ऐलान किया गया है। बंद को कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन है। आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद की जा रही है और इस समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे लोगों के साथ गोधरा जैसी घटना हो सकती है। कोल्हापुर में अजीत पवार की अगुवाई वाले एनसीपी गुट ने शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने बीजेपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र ने चीनी मिलों का टैक्स माफ कर दिया है, ये पहली बार हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर उनके एक बयान को लेकर भड़ास निकाली है। ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने मुझे औरंगजेब की संतान बताया है, तो यह पूछना चाहता हूं कि वो 2.5 साल तक मेरे साथ क्या कर रहे थे। सनी देओल की फिल्म गदर 2 सिनेमाघरों में 11 अगस्त को रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों ने पहले दिन से ही भरपूर प्यार दिया, जिसके चलते फिल्म 500 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। वहीं इस फिल्म की सुपर सक्सेस के बाद एक बार फिर सनी देओल ने बॉलीवुड में दमदार कमबैक किया है। मोरक्को में भूकंप से हुए नुकसान पर दुनिया काफी दुखी है। वहीं पीएम मोदी मोरक्को की मदद के लिए तुरंत आ गए हैं। ऐसे में नोरा फतेही ने पीएम को दिल से शुक्रिया कहा है। शिंदे गुट के नेता सदा सरवण करने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का घर जलाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।